हाँ जी, कैसे सारे के सारे, तो आपसे स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आपको पता ही है बहुत सारी सेल्स चल रही है आजकल फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट की चलो एक सेल खत्म हो गई बिग बिलियन डे वाली, लेकिन एक और चालू होने वाली है दिवाली, दशहरा। अमेजोन पे भी यही हाल रहने वाला है और बहुत सारी वेबसाइट्स पे भी यह हाल रहने वाला है। और दिवाली आने वाली है, सब करते हैं सफाई, तो मैं इसलिए लेकर आया हूँ वैक्यूम क्लीनर की एक सीरीज़। तो अभी ये जो मेरे सामने है ये है प्रेस्टीज का वैक्यूम क्लीनर, जो बजट में आता है। ये मैं सेल की बात करूँ तो मेरे को ₹3,995 का पड़ रहा था, लेकिन मैंने और कुछ कार्ड्स लगा के और जो फ्लिपकार्ट के कॉइन्स लगा के मैंने ₹3,800 का इसको ले लिया है। तो ये बजट वाला है, मतलब सबसे सस्ता अच्छा, जिसमें आपको वेट एंड ड्राई मतलब पानी वाला भी मिलता है, उसके साथ साथ ब्लोअर भी मिलता है, वैक्यूम क्लीनर मतलब खींचने वाला तो है ही। सबसे सस्ता सबसे बेस्ट मेरे को यही लगा, तो इसका मैं आज आपको रिव्यू दूंगा कि ये कैसा है, अगर आप सस्ता वैक्यूम क्लीनर लेना चाहते हैं नॉर्मल क्लीनिंग के लिए। और एक और वैक्यूम क्लीनर आने वाला है जो है ₹10,000 के आसपास, मतलब थोड़ा प्रीमियम हो जाता है, उसकी भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, आपको पता लग जाएगा वो वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना है, ठीक है। तो आज इसकी पूरी टेस्टिंग करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे, धूल साफ करता है, ब्लोअर, ये सब मतलब आज सब आपको ये बता दूंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो जैसे कि देख सकते हैं, ये मैं आपके सामने बॉक्स लेकर आ चुका हूँ। मैं इसमें कुछ दिखा देता हूँ बॉक्स में क्या क्या लिखा गया है। Typhoon 05 इसका कोड है, ठीक है। कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन दे रखी है, वो मैं आपको समझा दूंगा। वेट एंड ड्राई क्लीनर है, इसके बारे में बता दूंगा ये क्या चीज़ है। 1200 वॉट का ये आता है, मतलब 1200 वॉट की इसमें पावर है। और कुछ स्पेसिफिकेशन मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, देख सकते हो फ्लिपकार्ट का ये टेप भी लगा हुआ है जो मैंने काट चुका हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं है बॉक्स में, ये सब भी दिखा रखा है। कुछ इसके पार्ट्स भी इन्होंने शो कर रखे हैं, वो मैं बता देता हूँ। इसमें आपको 3 एक्सटेंशन मिलती है, एक एब्जॉर्ब वाला मिलता है, एक ब्रश वाला मिलता है, केबल तो आपको मिलती है, पाइप मिलता है, वो सब मैं आपको दिखा दूंगा। एक कोने की सफाई करने के लिए मिलता है, सारे मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो बॉक्स के जो ऊपर चीज़ है वो है मेन, वो है प्राइस। तो MRP इस पे दी गई है 5995, मतलब ₹6,000 इसकी MRP दी गई है, लेकिन मैंने फ्लिपकार्ट से इसको सिर्फ 3895 के मेल लिया था। वन ईयर की इसमें आपको वारंटी मिल जाती है। अनबॉक्सिंग की बात करें वो तो चलो आपके सामने चल ही रही है। पाइप आते हैं, 3 एक्सटेंशन केबल आती हैं आपको इसमें, इससे आप इसकी रेंज को बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक ब्रश वाला ये मिलता है, और इसके साथ 2-in-1 कह सकते हैं, इसका एक और कंपार्टमेंट भी आपको इसके साथ मिलता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यह है वो इसका कंपार्टमेंट, ये आप इसमें लगाएंगे तो ये एब्जॉर्प्शन वाला बन जाता है। तो दो चीज़ें मिलती है 2-in-1 इसमें कहते हैं, बहुत कम सामान आता है लेकिन काम का सामान आता है। तो इसमें कुछ बॉक्स तो खाली हो चुके, इसके साथ डॉक्यूमेंट्स आता है, इसमें आपको वारंटी का भी सब कुछ दिया गया है, और कैसे यूज़ करते हैं और कैसे मतलब सिक्योरिटी के साथ इसको रखना है वो सब इसमें दिया गया है। पॉलोथीन इसमें आई हो तो साइड रख देते हैं, मैं आपको इसका क्लोजअप व्यू आपको दिखाता हूँ। देखो डिज़ाइन की बात करें तो बिल्कुल यार लगता है कि ये प्रेस्टीज ने बनाया है, क्योंकि प्रेस्टीज किचन के सामान बनाता है, तो ऐसे ही इसका भी डिज़ाइन है, बिल्कुल कुकर जैसा लगता है। इसमें आपको स्विच में एक प्रोटेक्शन दी गई है, रबराइज प्रोटेक्शन, जिससे इसमें पानी जाके ख़राब ना होए, क्योंकि ये वेट एंड ड्राई है तो पानी इसमें जा सकता है गलती से, तो इसलिए ख़राब ना होए तो इसमें प्रोटेक्शन दी गई है। केबल की बात करें तो 4.5 मीटर्स की इसकी केबल है, जो बहुत इजीली आपके हाउस में आराम से मतलब एक कोने से दूसरे कोने में चली जाती है, बहुत लंबी इसकी केबल आती है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। डिज़ाइन मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके साथ आपको टायर्स भी आएंगे, वो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो साइड से खुलते हैं, ये भी खोलना बहुत आसान है, और इसी के अंदर लगा हुआ है फिल्टर जो काम करता है डस्ट को, डस्ट की बहुत छोटी पार्टिकल्स को इसके मोटर में जाने से। तो एक बात और याद रखना, इसको कभी भी फिल्टर को लगा के नहीं रखना है जब आप वेट कर रहे हो, मतलब जब आप पानी का काम कर रहे हो तो इसको हटा के ही करना है। एक इसमें अंदर छोटा ब्रश भी आता है, ये कोनों के लिए है, इसका भी मैं यूज़ आपको आगे चल के दिखाऊंगा वीडियो में। इसके साथ मैं जैसे आपको बता रहा था, इसमें आपको टायर्स मिलते हैं जिससे ये 180-360 मतलब कह सकते हैं रोटेशन हो जाती है, मैं वो भी आपको करके दिखाऊंगा। डस्टबिन जो इसकी है वो आती है 10 लीटर की, इसका एक बड़ा मॉडल भी आता है जिसका Typhoon 07 कोड है, उसका लीटर बड़ा है, मतलब कैपेसिटी ज़्यादा है, वो वैक्यूम क्लीनर थोड़ा बड़ा है, पावर यही रहती है लेकिन साइज़ बड़ा हो जाता है, उसका टैंक बड़ा हो जाता है, नीचे की जो डस्टबिन है बड़ा हो जाता है। नीचे आपको ऊपर की साइड मिलता है ब्लोअर, जो रेड पार्ट में है वो है ब्लोअर, और जो नीचे की साइड वो जो ग्रे कलर में है वो है आपका सक्शन जो खींचता है धूल को।
ब्लोअर का भी आपको दिखाऊंगा और सक्शन भी दिखाऊंगा। अभी मैं लगा देता हूँ इसमें टायर्स। तो टायर्स में मैंने ढीले ही लगाए थे जिससे मेरे को आगे जाके कोई दिक्कत ना हो निकालने में, अगर मैं कोई वापस से पैकिंग करने लग गया हूँ इसकी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी मूवमेंट बहुत ही स्मूथ है, टायर्स इसके बहुत ही स्मूथ है, इजीली हो जाता है। एक तो इसकी वायर बहुत बड़ी है और टायर्स बहुत अच्छे हैं, तो आपको हाउस में घुमाने में बहुत आसानी हो जाती है। मैंने थोड़े ढीले रखे हैं, ज़्यादा टाइट इसके टायर्स नहीं करे हैं। डिज़ाइन मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ, प्रेस्टीज है तो कुकर जैसे इसका डिज़ाइन लगता है, जैसे कि किचन का सामान बनाती है, मैं आपको बता ही चुका हूँ सब कुछ। तो इसके कुछ अलग पार्ट्स की बात करें तो इसके साथ कुछ ब्रश आता है सोफ़ा क्लीनिंग के लिए, हाउस क्लीनिंग के लिए, फ्लोर मैट क्लीनिंग के लिए, बेडशीट भी आप क्लीन कर सकते हैं। तो इसमें आपको ब्रश वाला मिलता है, एक स्मूथ वाला मिलता है एब्जॉर्प्शन वाला, और कोनों के लिए मिलता है जिसमें आपको ब्रश भी मिलता है और एक नॉर्मल सिंपल भी मिलता है। उसी में आपको 2-in-1 मिलता है, मतलब बहुत कम सामान है लेकिन उसी में आपको जुगाड़ करके बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी गई है। रिक्वायर्ड जैसे मैं क्लीनिंग की बात कर रहा था तो मैंने फ़ैन क्लीन करा था, इतनी ज़्यादा अच्छी तरह नहीं हुआ है लेकिन आपको वीडियो में पता ही लग जाएगा कि कितना अच्छा हुआ है ये। मैंने कोने वाला जो ब्रश होता था उससे पहले फ़ैन की जो साइड वाली धूल होती है मोटी मोटी वो उतारी है, क्योंकि फ़ैन पे जो धूल चिपक जाती है वो आसानी से साफ़ नहीं हो सकती, इससे वो हमने देख लिया। लेकिन अगर आप रेगुलर 1 month में अगर आप करते रहेंगे रेगुलर इसको, अगर आप वीक में भी इसको कर लेंगे तो आपका फ़ैन क्लीन रहेगा, बहुत ईजिली ये सक कर लेता है डस्ट को अपने अंदर, तो फ़ैन के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपका फ़ैन बहुत दिनों से हुआ हुआ है गंदा, लाइक जैसे मेरा था, सॉरी इसके लिए, लेकिन वो साफ़ नहीं हो पाता है, अच्छी तरह नहीं हो पाता है, लेकिन इतना हो जाता है कि आप उसके बाद अगर आप हाथ से भी करने जा रहे हैं तो वो बहुत इजीली हो जाएगा, ऊपर ऊपर की ये खींच लेता है। एंड में आपको मैं इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगा, शुरुआत में ये बिल्कुल ब्लैक था और अब आप देख सकते हैं कितना मतलब ठीक हो चुका है पहले से, अब इसमें बस हाथ लगने की बात है। ब्लोअर की बात करें, आप ब्लोअर मेन था हमारे लिए क्योंकि हमारे साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो धूल बैठ जाती है हमारी खिड़कियों में, और बहुत ही मस्त इसका ब्लोअर है, बहुत ही मस्त इसमें पावर दी गई है, 1200 watts का है, बहुत अच्छी पावर है। साउंड भी यार बहुत ज़्यादा है इसमें, एक मुझे प्रॉब्लम लगी है वो इसकी नॉइस है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको नॉइस मिलती है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा मैंने आपको सारी टेस्टिंग करके दिखा दिया है। देखिए अगर आपकी सूखी धूल है हवा में, मतलब थोड़ी हल्की धूल है वो साफ़ कर लेता है, लेकिन जो चिपकी हुई धूल है वो ये साफ़ नहीं करता है, तो आप किसी प्रीमियम वैक्यूम क्लीनर पे जाके देखिए। अभी मत जाइए, मैं वीडियो लाने वाला हूँ उसका भी टेस्ट करेंगे कि वो चिपकी हुई धूल को निकाल पाता है कि सारे वैक्यूम क्लीनर फेल ही हो जाते हैं, नॉर्मली काम करते हैं। ये 1200 watts का था, जो हमारा आने वाला वैक्यूम क्लीनर है वो 1900 watts का है, कंपनी वगैरह जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। वीडियो आने ही वाली है, बहुत जल्द आने वाली है, कुछ 4-5 दिनों में आ जाएगी। और ये आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए, कोई प्रॉब्लम होती है वो भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आइए, ट्विटर पे आइए, फॉलो करिए, वहाँ भी मैं अच्छे अच्छे स्टेप्स डालता हूँ, वहाँ भी अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं। मैं फिर से बता दूँ, अगर आप नॉर्मल क्लीनिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा है ये, सस्ता भी है, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता है, 3800 का वैक्यूम क्लीनर, इतना पावरफुल ब्लोअर, वेट एंड ड्राई सब कुछ आपको इसमें मिल रहा है। कंपनी भी अच्छी है, प्रेस्टीज कंपनी है, कोई बुरी कंपनी नहीं, बहुत अच्छी कंपनी है, 1 साल की वारंटी मिल रही है, और क्या चाहिए आपको। अगर आप नॉर्मल सस्ता टिकाऊ करना चाहते हैं, दिवाली की सफाई आराम से आपकी इसमें हो जाएगी और नॉर्मल सफाई भी हो जाएगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना है, और वीडियो को कर देना है लाइक, ठीक है ना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।